जी, मेरा नाम पंकज मालवीय है। मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ लोहिया वाहिनी से। जी, मैं लखीमपुर खेरी में जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के बेटे द्वारा जो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के उन्हें जान से मारा गया, मैं उनकी घोर निंदा करता हूँ और उनके परिवार के साथ संवेदनाशील व्यक्त करता हूँ। और मैं ये भारतीय जनता पार्टी से ये कहना चाहता हूँ कि सत्ता में बैठे गलियारों में जो आप गलत और अपनी मनमानी कर रहे हो और उन किसानों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, देश के ऊपर जितनी पीड़ा आप लोग दे रहे होंगे, शायद ही है किसी पार्टी ने आज तक सत्ता में बैठ के ये की हो। 2022 में ये सरकार निश्चित तौर पर जाएगी और माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार 2022 में फुल बहुमत से बनेगी। समाजवादी पार्टियों की नीति हमेशा जनता के हित में रही है, नौजवानों को रोजगार मिला है और टिहरी में जो घटना हुई है इसका विरोध हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किया है। सत्ता में बैठे लोगों ने इस अनुसार जो ने विपक्ष को पूरी तरीके से नज़रबंद किया, उनको सामने आने नहीं दिया गया, सत्य को छुपाने की बहुत बड़ी साजिश रची गई है कि और सत्य छुपाना चाहते हैं, ये कुछ समझ में किसी के नहीं आया। इन्होंने पूरा नेट बंद कर दिया, सोशल मीडिया पूरा बंद कर दिया, व्हाट्सअप बंद कर दिया, फेसबुक बंद कर दिया, ट्विटर बंद कर दिया, इंस्टाग्राम बंद कर दिया। ये क्या छुपाना चाहते हैं? ऑलरेडी जनता के सामने इनका जो मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ाई है जो ऑलरेडी सब सामने आ चुका है, वीडियो वायरल हो चुका है, फिर भी ये छुपाना चाहते हैं। ये कौन से सबूत मिटाना चाहते हैं? जो ये सबूत मिटा रहेंगे, ये जनता को ऑलरेडी सब वायरल हो चुका है, फिर भी ये कुछ ना कुछ करने के फिराक में, ये कौन सी साजिश रच रहे हैं ये अभी किसी को पता नहीं है। इनके विरोध में समाजवादी पार्टी ने कल झांसी में काफ़ी विरोध किया। और लखीमपुर घटना के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने विरोध किया, जो मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर इतना दुर्भग तरीके से कार चढ़ा के उनको मार दिया गया, उन्होंने विरोध किया तो प्रशासन ने उनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के विरोध में हम लोग ने झांसी में प्रदर्शन किया और धरना दिया। धरना देने के साथ प्रशासन ने हम लोगों को भी गिरफ्तार किया। इतनी घटनाएं होने के बाद 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार आना लाजमी है, क्योंकि जनता जाग चुकी है। इस बीजेपी सरकार में सबसे ज़्यादा लूट, डकैती, चोरी, हत्याएं, बलात्कार, ये सारी घटनाएं हो रही हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि 2022 में हमारी सरकार जो है फुल बहुमत से बनने वाली है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी दोबारा वाले हैं।